बालों को काला करने के लिए ये एक हेयर मास्क आप रात भर लोहे की कढ़ाई में भिगो करके रखने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आपको बस यहाँ पे लोहे की कढ़ाई में इंस्टेंटली इसे प्रिपेयर करना है, जो मैं आज आप लोगों को पाउडर बता रही हूँ बिल्कुल इसी तरह से, बट लोहे का कढ़ाई आपको लेना मस्ट है। सफेद होते बालों की परेशानी को कम करने के लिए लोहे की कढ़ाई का प्रयोग किया जाता है। तो इससे हम एक बहुत ही अमेजिंग हेयर मास्क बनाएंगे, जिससे आप अपने सफेद बालों को काला होते हुए देखेंगे। अधिकतर लोगों को आपने कमेंट्स भी किया होगा कि अरे तेरे बाल तो सफेद हो गए, बुढ़ापा आ गया है क्या। तो इस तरह से बातें हमें अक्सर सुनने को मिल जाती है, भले ही आपकी उम्र 20 की ही क्यों ना हो, फिर भी आपको बार बार इस तरह के कमेंट्स सुनने मिलते हैं जो कि आप सुनना नहीं चाहते हो। तो इस परिस्थिति में उम्र में सफेद होते बालों को कम करना बहुत ही जरूरी है। इस स्थिति में लोहे की कढ़ाई आपके काफी हद तक मदद कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, लोहे की कढ़ाई से आप इस तरह से सफेद होते बालों को कम होते देख सकते हैं। जी हाँ, इसमें बस आपको एक ऐसा हेयर मास्क आज बनाना जो सिखा रही हूँ बिल्कुल इसी तरह से, इस हेयर मास्क को आपको बनाना है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और इस मास्क को आपने अगर बना लिया ना फ्रेंड्स, तो आपके बालों को ये बहुत ही अमेजिंग, चांदी से बाल सफ़ेद हैं तो उस तरह से ये अमेजिंगली वर्क करेगी। अब देखिए फ्रेंड्स, आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे लिया है आंवला पाउडर। सबसे पहले आपको लोहे की पैन में आंवला का पाउडर जो होता है उसे लेना होता है, ठीक है। तो हम ऐसे तीन इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करने वाले हैं, इंस्टेंट बनाइए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को कह रही हूँ ना, आप लोहे के पैन में इंस्टेंटली डाई बना करके अपने बालों को काला कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए भृंगराज आपको लेना है, आंवला मैंने ले लिया है यहाँ पर, भृंगराज आपको लेना है दोस्तों। इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन आपको मिक्स करना है। आप सभी जानते हैं आंवला वाइटमिन सी से भरपूर होता है और भृंगराज हमारे बालों की ग्रोथ को बढ़ा देता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट काफ़ी अच्छी मात्रा में होती है और बहुत ही अमेजिंगली ये प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर पे काम करता है, साथ ही साथ ये हमारे बालों को सफ़ेद होने से बचाता है। तो भृंगराज हमारे बालों का एक तरह से डॉक्टर है, तो इन दोनों चीज़ों को मिलाना है आपको, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज़ है जो मतलब पाउडर फॉर्म में मैंने इसे बना करके प्रिपेयर की है, तो ये है हमारे पास जटामांसी, जो कि प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर पर 100% ये वर्क करती है। बालों का जो कलर होता है उसे ये अमेजिंगली इन्हांस करने का काम करती है, फिर से दोबारा आपके सफ़ेद बालों को रीस्टोर करने का काम करती है, ठीक है। सारी पाउडर को आपको लेना है। देखिए विधि क्या है, आपने लोहे का पैन लेना है, 2 बड़े चम्मच आंवला पाउडर ले लीजिए, 2 बड़े चम्मच आपको भृंगराज पाउडर लेना है और 1 बड़े चम्मच आपको यहाँ पर जटामांसी का पाउडर लेना है। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप जटामांसी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा गूगल पे सर्च करिए, बहुत ही अमेजिंगली इस इसके बारे में बताया गया है, जो कि मैंने काफ़ी बार अपने वीडियोज़ में आप लोगों के साथ में इसे शेयर भी किया है, ठीक है। तीनों पाउडर को हमें अच्छे से मिक्स करना है, इसमें हमें 1 कप पानी डालना है, तो चलिए 1 कप पानी यहाँ पे हम डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और इसे हल्के से आपको गैस के फ्लेम पे रखना है एकदम, और हल्के से आपको इसे गर्म कर लेना है, बहुत ज़्यादा आपको इसमें गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका जो पैक है ना, ये इंस्टेंट रेडी हो जाता है। तो इस हेयर पैक को लगाने से आपके सफ़ेद बाल काफ़ी काले हो जाएंगे और डैंड्रफ की जो प्रॉब्लम है, परेशानी है, वो भी कम हो जाती है। बालों को आप ये सॉफ्ट और चमकीला भी बना सकते हैं इस पैक को लगाने से। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए ये हेयर मास्क बहुत ही अमेजिंग है। तो दोस्तों इस तरह से, और आपको लगाना कैसे है वो मैं आप लोगों को अच्छी तरह से बताऊंगी। तो सबसे पहले इसे हमने मिक्स करना है, लम्स फ्री बनाना है, और ये देखिए इसका कलर भी, बस जस्ट इसे मैं हल्का सा वार्म करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ सेकेंड्स के लिए हमें इसे गैस के फ्लेम पर थोड़ा सा वार्म करना है। तो फ्रेंड देखिए हल्का सा मैंने इसे एकदम गर्म किया है, बहुत ज़्यादा इसको खौलाने की, एकदम से ज़्यादा गर्म करने की ज़रूरत नहीं होती है। सारी चीज़ें आपके सामने देखिए, और ये इतना अच्छा हेयर मास्क हमारा रेडी हो चुका है फ्रेंड्स। बस जस्ट आपको क्या करना होता है, इसे 30 से 40 मिनट के लिए अपने बालों पे लगा करके छोड़ दीजिए, जब ये एकदम ठंडा हो जाए उसके बाद शावर कैप से आप अपने बालों को ढक लीजिए। बहुत ही अमेजिंगली ये वर्क करेगा, आपके सफ़ेद बालों को ये नेचुरल तरीके से काला करेगा। और देखिए इस तरह से पेस्ट आपको इस तरह से रनिंग कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होनी चाहिए,
जिससे कि आप अपने बालों को कवर कर सकती हैं। ठीक है, इसे मैन विमेन छोटे बच्चे हैं तभी इसका यूज करिएगा। देखिए बच्चों को बहुत ज्यादा सुनना पड़ जाता है, छोटी उम्र के बच्चे होते हैं, अरे बुढ़ापा आ गया क्या, ये वो है ना, ये सब अच्छी चीजें नहीं होती हैं। तो आप अपने बालों की केयर करिए इस तरह से, इस नेचुरल से DIY को प्रिपेयर करिए, बहुत ही इफेक्टिव है फ्रेंड्स, जिससे कि आप अपने बालों को नेचुरली काला कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसे 30 से 40 मिनट लगाने के बाद बालों को धो लीजिए प्लेन वाटर से, शैम्पू मत करिए सेम डे। आपके बाल मेक श्योर एकदम से साफ सुथरे होने चाहिए, डैंड्रफ की अगर प्रॉब्लम है तो ये पूरे डैंड्रफ को भी रिमूव कर देगा। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। मिलती हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट डे।